नमः शिवाय। आज हम लोग लिंग पाठ से अभ्यास कार्य करेंगे। एक्सरसाइज 1। निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलो। शब्दों को निम्न शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है, जैसे छात्र छात्रा। इसी तरह से सभी शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है। नंबर 2 शब्द है दास। नंबर 3 अध्यापक। नंबर 4 नायक। नंबर 5 आचार्य। नंबर 6 पुरुष। नंबर 7 ठाकुर। नंबर 8 शिक्षक। नंबर 9 मोर। नंबर 10 नौकर। नंबर 11 गायक। नंबर 12 सुनार। एक्सरसाइज 2। निम्नलिखित शब्दों को पुल्लिंग में बदलो। निम्न शब्दों को पुल्लिंग में बदलना है, जैसे लेखिका लेखक। नंबर 2 रानी। नंबर 3 पाठिका। नंबर 4 सेठानी। नंबर 5 पंडिताइन। नंबर 6 सापिन। नंबर 7 भवदिया। नंबर 8 वीरांगना। नंबर 9 कवित्री। नंबर 10 जेठानी। नंबर 11 गुणवती। नंबर 12 शिष्या। एक्सरसाइज 3। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके वाक्यों को दोबारा लिखो। जैसे बुढ़िया बहुत बीमार थी। इस वाक्य में बुढ़िया शब्द रेखांकित है। बुढ़िया शब्द का लिंग परिवर्तन करके हमें वाक्य को दोबारा लिखना है। तो वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, बूढ़ा बहुत बीमार था। इसी तरह से बाद बाकी सभी वाक्यों के लिंग परिवर्तन करके वाक्यों को दोबारा लिखना है। नंबर 2 वाक्य है गायक गाना गा रहा है। नंबर 3 शेर जंगल में घूम रहा है। नंबर 4 दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं। नंबर 5 शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। नंबर 6 मामा ने गौरी के लिए मिठाई लाई। नंबर 7 ब्राह्मण मंदिर का प्रसाद लाया। नंबर 8 दौड़ में लड़कियां भाग ले रही हैं। नंबर 9 नौकर काम कर रहा है। नंबर 10 उसके पति अध्यापक हैं। इस तरह से यह हमारा पाठ पूरा होता है। नमः शिवाय।